The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिमर्स के बारे में, और ट्रिमर्स, हैंड ट्रिमर्स, हाथ की कंपन। बहुत लोग होते हैं जिनके हाथ कांपते हैं बुढ़ापे में, तो सबके कांपते हैं ऑलमोस्ट एक उम्र के बाद, और पर क्यों? अगर आपके जवानी में कांप रहे हैं तो क्यों? अगर आपकी बीमार होने पे कांप रहे हैं तो क्यों? कमजोरी में कांप रहे हैं तो क्यों? कांप रहे हैं तो करें क्या? उसका इलाज कैसे करें? उसका कारण क्या है? आप ही को क्यों हुआ? आपकी उम्र के बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? बात करते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा ट्रिमर क्या होता है। ट्रिमर मतलब इनवॉलेंटरी शेकिंग मूवमेंट। इनवॉलेंटरी शेकिंग मूवमेंट को ट्रिमर बोलते हैं। अब वो चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे आंख का हो, इट इज अ ट्रिमर। सो इनवॉलेंटरी मतलब यू शेक विदाउट ट्राइंग टू डू सो, ठीक है? एंड दैट शुड बी नोटिसिबल बाय somebody else, मतलब आपको दूसरे को दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाथ हिल रहा है लेकिन नहीं हिल रहा, दैट इज नॉट अ ट्रिमर, दैट माइट बी समथिंग एल्स, राइट? तो आपके पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट को वो अफेक्ट कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रिमर, ठीक है? इवन आपके हेड को और आपके इवन वॉइस को अफेक्ट कर सकता है। जी हाँ, ब्रेन के वॉइस को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड एसेंशियली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिमर, तीन टाइप के ट्रिमर हैं। पहला ट्रिमर जिसको कहते हैं रेस्टिंग और स्टैटिक ट्रिमर। रेस्टिंग यानी या स्टैटिक ट्रिमर, उसका मतलब ये होता है व्हेन योर बॉडी एंड और अफेक्टेड पार्ट इज एट रेस्ट। यानी कि आप काम कर रहे हो, आपका हाथ सही से काम कर रहा है, आप कुछ उठाने जा रहे हो, आपका हाथ सही से काम कर रहा है, तब नहीं कांप रहा, लेकिन जैसे ही रुक गया तो आपका हाथ कांपने लगा। दैट इज अ रेस्टिंग ट्रिमर, यानी रेस्ट पे ट्रिमर हो रहा है। दूसरा टाइप का ट्रिमर है काइनेटिक एंड इंटेंशन ट्रिमर। इंटेंशन ट्रिमर यानी काइनेटिक ट्रिमर मतलब जब आप किसी चीज को उठाने गए, तो व्हेन यू आर मूविंग योर हैंड या कोई अफेक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी, तब ट्रिमर हो रहा है, और जब आराम से बैठे हैं तब ट्रिमर नहीं हो रहा। सो काइनेटिक ट्रिमर मतलब कुछ उठाने जा रहे हैं तो हाथ हिलने लगा, उठाया, काम किया, आराम से रखा तो हिलना रुक गया। सो काइनेटिक ट्रिमर, रेस्टिंग ट्रिमर, और तीसरा होता है पोस्चुरल ट्रिमर, मतलब ऐसा ट्रिमर जो अगर आप किसी आप अपने हाथ को या बॉडी पार्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं तभी ट्रिमर आता है। बस यानी एक हाथ है, उस हाथ को जब आपने ऐसे उठाया तो ट्रिमर हो रहा है, या इधर रखा तो ट्रिमर हो रहा है, सीधा रखा तो कुछ नहीं हो रहा, इधर उठाया तो ट्रिमर हो रहा है, सीधा रखा तो कुछ नहीं हो रहा, या ऐसे कोई भी अजीब गरीब सा ट्रिमर जो पोजीशन से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल ट्रिमर। अब ट्रिमर जो है वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कॉमन है, बुजुर्गों को होते बहुत ज्यादा है। और आपको ट्रिमर यंग एज में भी हो सकता है, केवल थक जाने से, फटीग से। इसीलिए कई लोगों को ट्रिमर होता है थक जाने पर, बीमारियों में ट्रिमर होता है, बीमारी में थक जाते हो, फटीग होते हो, कमजोर होते हो, ट्रिमर होता है। और काय से ट्रिमर हो सकता है? स्ट्रेस से। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो कांप रहे हैं, डर से, एंजाइटी से, घबराहट से, डर के मारे कांप जाते हो, और रेज से, गुस्से से भी। इंसान ने गुस्सा इतना आया तो कांप गया पूरा, हाथ कांपने लगा था, मार ऐसे गुस्सा, समथिंग लाइक। लेकिन एक ट्रिमर जो है वो आपकी होते हुए वो आपके इमोशनल स्टेट को नहीं चेंज करेगा। एक इमोशनल स्टेट आपके ट्रिमर को पैदा कर सकता है, लेकिन ट्रिमर होने की वजह से आप गुस्से में आ जाओ, वो ट्रिमर नहीं स्टेट चेंज नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज समथिंग विच इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। अगर ट्रिमर होने के बाद आपका कोई एन ऑनगोइंग ट्रिमर इज नॉट एसोसिएटेड विद अ चेंज इन योर इमोशनल स्टेट, इफ दैट इज देयर देन इट माइट बी मे बी अ साइन ऑफ मेडिकल डिजीज विच शुड बी इवैल्यूएटेड, ठीक है?
नाउ आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो राइट, आपका ट्रिमर जो है वो हो सकता है आपको लगे कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मतलब कोई भी मेडिकल रीजन ना मिले आपको ट्रिमर का, आपको अगर ट्रिमर हो रहा है सिर्फ थकावट है सिर्फ वो है हो सकता है। लेकिन जो खतरनाक चीजें हैं, जो खतरनाक ट्रिमर के कारण है, जैसे कुछ लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज तो नहीं हो रहा मुझे बुढ़ापे में, अल्जाइमर डिजीज तो नहीं हो रहा, पार्किंसन में ट्रिमर होते खतरनाक बीमारी, मतलब एक ऐसी बीमारी है जो जिसका कोई इलाज नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें ना हो जाए, उस पर अलग से हमारा वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रिमर इवेलुएटेड, ठीक है, ताकि हम ये पता करें कि वो कोई और चीज़ तो नहीं। अगर आपका ट्रिमर हाथ में है तो हाथ का इवेलुएशन, टंग में है तो टंग का, हेड में है तो हेड का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेंशियल ट्रिमर क्या होते हैं? असेंशियल ट्रिमर ओल्डर पीपल में बहुत कॉमन है। असेंशियल ट्रिमर आपके जब हाथ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हाथ को नहीं इस्तेमाल कर रहे, इट इज नॉट देयर, इट इज रेयरली प्रेजेंट व्हेन योर हैंड्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, इट बिकम्स मोस्ट अपेरेंट जब आप अपने काम कुछ करने जा रहे हो, जब आप कुछ काम करने जा रहे हो तब अपेरेंट होएगा, नहीं तो नहीं। जैसे किसी चीज को पकड़ने जा रहे हो तब, इट इज कॉज्ड बाय अंडरलाइंग, इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी अंडरलाइंग डिजीज, इसकी कोई अदर बीमारी नहीं है। असेंशियल ट्रिमर एक बुढ़ापे के साथ होने वाला ट्रिमर होता है, एक कमजोरी के वजह से ट्रिमर होता है, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी डिजीज। तो आपको सिर्फ अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करना है और कुछ नहीं करना। तो आपको अपनी हेल्थ में क्या गड़बड़ कर रहे हो वो देखना है, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ ट्रिमर जिसको फैमिलियर ट्रिमर कहते हैं, मतलब आपके फैमिली में होता है, एक को है तो दूसरे को, दूसरे को तो दूसरे को होगा। देन थर्ड ट्राइप फैमिली ट्रिमर जो होता है ना, और ये फैमिलियर और असेंशियल दोनों के दोनों जो हैं कई बार दारू पीने से सप्रेस हो जाते हैं। जी हाँ, दारू पीने से सप्रेस हो जाते हैं, और ये एक यूजफुल टेस्ट भी है डायग्नोस करने के लिए, राइट। बट हाँ, ऑब्वियसली कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ इसको ट्रीटमेंट में लिया जाए, दारू पीते रहो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। सो क्या कारण होते हैं ऐसे ट्रिमर के, एक नॉर्मल इंसान में होना या बुजुर्गों में होना, उसके कई और अंडरलाइन कारण भी होते हैं। नंबर एक, वीकनेस हमने बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग और पोस्चरल ट्रिमर। नंबर दो, बहुत सारा अगर आप दारू पियोगे, अल्कोहलिज्म, या दारू छोड़ दोगे, अल्कोहल विड्रॉवल, एक्सेसिव अल्कोहल, अल्कोहल विड्रॉवल, बोथ कैन कॉज ट्रिमर्स। देन कॉफी या कैफिनेटेड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ले ली तो भी ट्रिमर हो सकते हैं। नॉर्मल एजिंग में ट्रिमर होते हैं, हमने बताया। कुछ प्रकार के दवाइयों से ट्रिमर होते हैं, लो ब्लड शुगर, शुगर लेवल लो हो जाए, बीपी लेवल लो हो जाए तो शुगर ट्रिमर हो सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज जो हमने बताया एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसमें आपका पूरा ब्रेन स्लो होने लग जाता है, उसमें ट्रिमर हो सकते हैं। मसल रिजिडिटी एक एबनॉर्मल, उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो भी आपके ट्रिमर हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है जो भी इंटेंशनल ट्रिमर कॉज कर सकता है, और ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपर थायराइड के वजह से ट्रिमर हो सकता है। अगर आपको ट्रिमर है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं? अगर आपको ट्रिमर स्ट्रेस के वजह से है तो रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगे ट्रिमर। और अगर आपको ट्रिमर कैफीन, कॉफ़ी के वजह से, चाय कॉफ़ी या दारू के वजह से, उसको हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा, नींद आराम से लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो दवाइयों के वजह से है, दवाइयों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रोक दीजिए, डोंट चेंज बाय योर सेल्फ। ट्रिमर अगर आपको अल्कोहल के वजह से, अल्कोहल रोकना होगा। अगर ट्रिमर आपका इतना सीवियर है कि आपकी ज़िंदगी में डेली एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, तब आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात करनी ज़रूरी है और प्रिकॉशंस लेना है, कहीं उसके वजह से आपको चोट ना लग जाए, तो वॉकिंग और ईटिंग के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर आपका ट्रिमर दिक्कत कर रहा है तो आप क्या टेस्ट कराओगे? तब आपके जो टेस्ट होते हैं, अभी आपको दिक्कत कर रहा है, आपको लग रहा है डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको जाना चाहिए। उसमें डॉक्टर क्या टेस्ट करते हैं? आपका ब्लड टेस्ट होता है, दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई या दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईईएमजी या नर्व कंडक्शन टेस्ट भी होता है हाथ का। हाथ से, दिमाग से, ब्रेन से नर्व जो आती है वो सही चल रही है या नहीं, वो टेस्ट होता है। उसके साथ फिर ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ब्लड डिफरेंशियल, थायराइड फंक्शन, ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इससे पता चलता है कि आपका ट्रिमर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज कॉजिंग योर ट्रिमर, और फिर उसके हिसाब से आपको दवाइयां दी जाती हैं।
So that is the basic of the tremor which you need to know about. And एक बार cause पता चल गया तो उसके हिसाब से उसका appropriate treatment कर सकते हैं. अगर और अगर कोई कारण नहीं पता चलता, right? For कुछ प्रकार के tremor, जैसे essential tremor या familial tremors हैं, कुछ दवाइयां हैं जो optionally दी जाती है, जैसे कि beta blocker, metoprolol या जिसको हम प्रोलोमेट नाम से अभी आती है, मेटोप्रोलोल नाम से, प्रोप्रेनोनोल नाम से आती है, या दूसरी दवाइयाँ जैसे गाबापेंटिन या प्रीमिडोन, ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती है. अदर्स में भी गिवन एज एन ऑप्शन. कुछ लोगों में दवाइयाँ काम भी करती हैं, कुछ लोगों में नहीं करती. फिर ऐसे केसेस में अगर कोई कारण मिलता है तो उसके हिसाब से कुछ इंजेक्शंस भी है, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन दिए जा सकते हैं जिससे कि एसेंशियल ट्रिमर्स आपके ख़त्म हो जाएं. ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बट दैट विल बी डिटरमाइंड बाय योर न्यूरोलॉजिस्ट कि आपके केस में कौन सा ऑप्शन बेटर है. तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, वो आपको हेल्प करेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एंड ट्रिमर्स. आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्ड यू. अगर हेल्प मिली है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जैसे एंटी सीजर दौरे की मेडिकेशन, कभी माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स, कभी ब्लड प्रेशर के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कभी कभी कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं सीवियर केसेस में, ऑपरेशन ट्राई कर सकते हैं. वो उसका नाम है फोकस्ड हाई पावर्ड एक्सरे, जो एक ब्रेन के छोटे पार्ट में दे सकते हैं, जिसको स्टीरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं. या फिर यू कैन इम्प्लांट अ स्टिमुलेटिंग डिवाइस इन द ब्रेन टू सिग्नल कि भाई वो एरिया जो मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है उसको करने के लिए. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको देखना है कि उससे वजह से किसी को चोट ना लग जाए, बस इतना ध्यान में रखिए. That's all about it. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.